का गिरा ये बरेली के बाजार में, वही हुआ मेरे साथ आज और बस बच गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बजे हैं 3 और मैं दिमाग में मेरे में ये चल रहा था, मैं लेटी थी अभी तो उठी मैं, तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं चाय बना के पी लेती हूँ, फिर मुझे ना तैयारी करनी है, जाना है एक जगह, मुझे इंगेजमेंट में जाना है, तो मैं सोच रही थी चलो चाय बना के पी लेती हूँ। जब उठी और किचन की तरफ आई तो मुझे ध्यान आया कि दूध तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने दूधिया वाला दूध जो है बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा बेकार दूध आ रहा था। तो पैकेट वाला जो था वो ख़त्म हो चुका है, अब मंगाना है पैकेट। तो अभी सूरज है नहीं, सूरज वहीं पे है जहाँ फंक्शन है, तो वहीं पे है। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने ना प्रीमिक्स बना के रखा हुआ है एक शरबत का, भुने चने का, तो उसको बना के पीऊंगी, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ जैसे टाइम है ना चाय का, तो ऐसा लगता है कुछ खाओ कुछ पियो। तो फिर मैं जो प्रीमिक्स रखा है उसको बना के शरबत पीती हूँ। जो रेगुलर व्यूअर होंगे मेरे, उन्होंने तो देखा होगा कि मैंने 2 रेसिपी शेयर की थी भुने चने के पाउडर की। तो ये काफ़ी हेल्दी है और टेस्टी भी लगती है। तो आइस मैंने डाली नहीं है मन से, और क्योंकि पता नहीं साथ में क्या हो गया है, देखिए स्वेलिंग है काफ़ी। और मैंने ना थोड़ी देर पहले सिकाई भी की थी आइस से, मतलब बर्फ से, कहते हैं ना कि आंखों पे जो पफी आइस होती हैं आप सिकाई कर लो तो ठीक हो जाती हैं, तो मैंने की थी, लेकिन हल्का फुल्का मुझे आराम लगा, लेकिन काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, कल तो बहुत ज़्यादा ही थी, क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। हाँ इसका तो मुझे मालूम है कि ये तो परमानेंट थोड़ी सी हो गई है जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये पता नहीं क्यों कल से काफ़ी ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो मैंने इसको पिया और भूख के लिए भी अच्छा है और हेल्दी भी बहुत है। प्लस इसको आप कहीं के लिए भी कैरी कर सकते हो, जैसे आपको कहीं सफ़र में जाना है तो आप इसको रख लीजिए, तो बस पानी में घोलो और पी लो। समर के लिए भी, मतलब समर के हिसाब से भी अच्छा है, ठंडक देने वाला भी है, एनर्जी देने वाला भी है, तो काफ़ी अच्छा है। और अब मुझे जाना है तो मैं थोड़ा सा तैयारी कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे नेल पेंट लगाई, बहुत कम लगाती हूँ मैं, बस ऐसे ही मौक़ों पे लगाने की इच्छा होती है मेरी कभी कभी, बस बहुत ज़्यादा ये नहीं करती हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैंने बनाया हलवा, तो सूरज ने कहा हलवा बना लो, तो फिर मैंने हलवा बनाया। तो जो हमारा किचन का डिब्बा था चीनी का, उसमें चीनी ख़त्म हो गई थी, तो उसको फिल किया। और हलवा जो है, क्योंकि इस टाइम मुझे हलवा इसलिए बनाना पड़ा, मैंने सूरज के लिए जो खाना बना के रखा था, वो एक बच्चा आता है काफ़ी दिन से नहीं आ रहा था, तो आज वो आया था खाना के लिए, तो उसको दे दिया खाना, तो सूरज के लिए फिर बचा था थोड़ा सा खाना। मैंने कहा बना दूँ तो उसने मना कर दिया, तो फिर इस टाइम मैंने कहा चलो हलवा बना देती हूँ अभी, और फिर वहाँ पे दावत है ही, तो फिर इसलिए हलवा बनाया था मैंने इस टाइम पे। मतलब वैसे मैं सुबह नाश्ते में बनाती हूँ, इस टाइम कोई सवाल नहीं था हलवा बनाने का, बस इसी रीज़न से बनाया था। तो यहाँ पे मैंने ना ड्राई फ्रूट्स को अलग से फ्राई नहीं किया, और इसी में हमने सूजी के साथ में ही उसको भून लिया, काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। आप लोग ऐसा करके देखिएगा, शॉर्टकट में जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, और काफ़ी अच्छे से भुन जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो सूरज का देने के बाद फिर मैंने अपने में डाली किशमिश, क्योंकि सूरज किशमिश नहीं खाता है हलवा में, तो मैं मुझे पसंद है, तो मैंने फिर अपने में बिना फ्राई किए हुए ऐसे ही डाल ली। और अब मैं, गरम था हलवा, तो मैं हलवा के साथ साथ ना तैयार भी होती जा रही थी, क्योंकि वहाँ से कॉल आ चुकी थी, तो हलवा मतलब साथ में हलवा भी खाती जा रही थी, क्योंकि गर्म था तो स्पीड से नहीं खा सकती थी, तो इसलिए तैयार भी होती जा रही थी। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ कंगन, और सोचा तब तक चलिए कंगन चेंज कर लेती हूँ, बाकी तो रेडी मैं हो ही चुकी हूँ। और अभी 5 बजने वाले हैं, तो वहाँ से कॉल आ चुकी है कि प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। और प्रोग्राम जब मैं गई थी, उसके बाद फिर उनकी उनका टीका चढ़ा, उसके बाद फिर गोद भराई की रस्म हुई, फिर उसके बाद रिंग सेरेमनी की हुई, काफ़ी टाइम लगा। और फिर मैं मतलब वहाँ से आ भी गई थी, तब तक चल ही रहा था प्रोग्राम, मैं तो फिर आ गई थी।
तो मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी और मैं निकल रही हूँ। बस सूरज शायद कुछ कर रहा है अंदर, कपड़े पहन रहा है, कुछ कर रहा है, और सूरज भी आ चुका बाहर और यहाँ पे पहन रहा है वो अपने सूज। और उसके बाद हम लोग निकल गए, पहुँच गए। तो मैं पहुँच चुकी हूँ और इसके बाद मैं आपको ना सारा ओरिजिनल वॉइस मैं दिखाऊँगी। ये हैं लड़की की जेठानी, रेड साड़ी वाली, ये हैं जेठ जी, और येलो साड़ी में ये मम्मी हैं। और ठीक ठाक पहले हवा वीडियो ले रही वापस। और काफ़ी टाइम हो चुका है, टाइम हुआ है शायद 9:30 बज चुके हैं।
मैं मतलब आ गई, अभी प्रोग्राम तो चल ही रहा था, लेकिन वैसा सारा मतलब रस्म बार जो होती है वो सारी हो चुकी थी, तो मैं आ गई। और मेरा ये देखो, इसकी जो होती है ना लगाने वाली, वो गिर गई, तो ये गिर गया, वो मिल गया मुझे, तो मैंने रख लिया। ओ, क्या वो है ना, झुमका गिरा दे बरेली के बाजार में, वही हुआ मेरे साथ आज। और बस बच गया, पीछे की जो होती है ना वो निकली, और फिर ये निकल के एकदम से गिरा, तो मैंने कहा क्या गिरा, देखा तो ये गिरा, तो मिल गया, फिर मैंने रख लिया इसको। और तो मैं वापस आ चुकी हूँ, और अब खाना बनाना नहीं है, क्योंकि मतलब खा के आई हूँ वहां से, और सूरज मुझे छोड़ के फिर से चला गया। वो अभी रहेगा वहां पे आधा पौन घंटे, उसके बाद आएगा, आने नहीं दे रहे थे वो लोग, तो मैंने कहा मतलब मैं जा रही हूँ, और हमने तुम आ जाना फिर मुझे छोड़ के, तो वो मुझे छोड़ के फिर से चला गया है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, और वैसे भी मतलब फंक्शन वगैरह में भीड़ होती है तो लगती है, तो फिर मैं आके नहाई। और ये है मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। तो मैं लगा रही हूँ नारियल ऑयल और एलोवेरा जेल मिक्स करके। आप इसको मिक्स करके स्टोर भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी एक क्रीम बन के तैयार होती है, और आपके फेस के लिए ये बहुत ही अच्छी है। आप इसको सनस्क्रीन की जगह यूज़ करिए, सनस्क्रीन का ये काम करती है। आप इसको नाइट में, डे में कभी भी यूज करिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो इसको घर में और हर समय इसी को लगाती हूँ, कुछ नहीं लगाती हूँ।